अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीएस केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर का जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर के हवाले से उनके बारे में कि वो कौन कौन से हैं। तो आपकी जो आउटलाइन है उसमें पहला टॉपिक जो है वो है सॉयल एनालिसिस। सॉयल एनालिसिस में आपके एनालिसिस भी आ सकते हैं, कोई भी एनालिसिस है उसमें से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है लेयर्स इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की जो लेयर्स हैं मोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी जो है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वाटर, एनालिसिस ऑफ वाटर में कोई भी एनालिसिस पूछ सकता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वाटर के अंदर, उसका तरीकाकार लिखें, प्रोसीजर लिखें। और उसके अलावा कोई भी आयरन किस तरह से, निकल किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वो आपने अच्छे तरीके से सारे देख लेने हैं। उसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स, टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स में से जो आपसे पूछ सकता है, जो लास्ट टाइम आया था ना पेपर में उसमें उसने पूछा था राइट आर डिटेल सोर्सेज एंड टॉक्सिसिटी ऑफ निकल एंड लेड। निकल और लेड जो हैं उनकी जो टॉक्सिसिटी है उनको आपने देख लेना है। और उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री में से वो आपसे पूछ सकता है कि जो इन्वायरमेंटल आपके पास प्रॉब्लम्स हैं और उनके कॉजेज कौन कौन से हैं, इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसको जो सोल्यूशन है उसको हमने ओवरकम करना है वो किस तरह से करना है, ठीक है। और एसिड ड्रेन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोटॉक्सिकोलॉजी, इकोटॉक्सिकोलॉजी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है पेपर के हवाले से, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी पेपर में। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।